दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सलो फ्रेंड्स, टेक्निकल माल में फसल बस स्वागत है। यदि आप दोस्तों चाहते हैं कि कोई भी हैवी गेम आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल करें, लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पाता है क्योंकि आपका जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी फुल हो चुका रहता है, यानी कि आपका स्टोरेज भर जाता है ऑलरेडी, जिससे कि आप आपके मोबाइल में कोई भी हैवी गेम को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 10 ये वाला जो गेम है, इसे मुझे डाउनलोड करना है, 2.4 GB का है, लेकिन दोस्तों मैं अभी डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी स्टोरेज फुल हो गया है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, हाँ मुझे शेयर एड टू विश लिस्ट, तो ये सब मुझे अभी देखने मिल रहा है। हाँ मुझे कोई ऑप्शन देखने नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं ये वाले गेम को इंस्टॉल करूँ तो ये डायरेक्टली मेरे मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं सिलेक्ट अप करता तो भी मुझे शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ओनली आपके मोबाइल के सेटिंग में ओनली एक ही सेटिंग अनेबल कर देते हैं तो आपके मोबाइल में जो भी हैवी गेम है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके भी मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गया है और आप चाहते हैं मेमोरी कार्ड में कोई भी हैवी गेम को डायरेक्टली इंस्टॉल करना, दोस्तों सिंपल आपको ओनली एक ही सेटिंग आपके मोबाइल में अनेबल करनी है, जिससे कि आप आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड जैसे आप अटैच करेंगे बाद में आप वो गेम को इंस्टॉल करेंगे, हैवी गेम का आप इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्टली वो आपके मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल होगा, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज में इंस्टॉल होगा, इंटरनल स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। क्या है वो दोस्तों सेटिंग्स, आज के समय में फुलटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी प्ले स्टोर में मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 10 डाउनलोड करना है, लेकिन मैं अभी डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी स्टोरेज फुल हो गया है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि दोस्तों यदि आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो आपको जो गेम है उसे कोई अलग स्टोरेज में आपको डाउनलोड करना रहता है, यानी कि मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करना रहता है। अब जब भी आप मेमोरी कार्ड को अटैच करेंगे तो दोस्तों अटैच करने के पहले आपको एक सेटिंग ओनली करनी है अपने मोबाइल के अंदर, जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो मेमोरी कार्ड अटैच होने पर आपका जो जितना भी गेम है जो आप अभी इंस्टॉल करेंगे वो सेटिंग करने के बाद आपका जो गेम है वो मेमोरी कार्ड में डायरेक्टली इंस्टॉल होगा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटिंग्स पे। जैसे हमें सेटिंग्स ओपन करेंगे हम अबाउट फोन देखने मिलेगा, हमें क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे हमें क्लिक करना है। बाद में यहाँ बिल नंबर देखने मिलेगा, इस पर हमें साइन बार टैप करना है। अब जैसे हम टैप करते हैं बैक आ जाना है। अब दोस्तों सेटिंग्स में ही हमें देखने मिलेगा एक्सेसिबिलिटी के अंदर या तो फिर एडिशनल सेटिंग में सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन करके, या तो फिर आप सर्च कर लीजिएगा। जैसा कि हमें सर्च कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन, ओके। जैसे कि हमें डेवलपर ओनली सर्च कर लेता हूँ डेवलपर ऑप्शन, ओके। देखिए मुझे शो कर रहा है सेटिंग सिस्टम एंड डेवलपर ऑप्शन, ओके। यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे एक सेटिंग देखने मिलेगी जिसका नाम रहेगा फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल। तो ये वाली जो सेटिंग है इसे हमें करना है ऑन, या आपके मोबाइल में बंद रहेगी तो आपको कर देना है ऑन, जिससे कि आपके मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें डाउनलोड नहीं होगा, आपका एक्सटर्नल स्टोरेज में डाउनलोड होगा, यानी कि मेमोरी कार्ड में डाउनलोड होगा। जब भी आप मेमोरी कार्ड अटैच करेंगे और बाद में आप जो गेम है वो इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो गेम है वो मेमोरी कार्ड में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल ये सेटिंग के लिए रहता है कि हम कोई भी जो ऐप है या तो फिर गेम है उसे डायरेक्टली मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अभी कोई भी जो गेम है उसे मेमोरी कार्ड अटैच करके बाद में आप डाउनलोड कीजिए, आपका जो गेम है वो डायरेक्टली मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थी हमारी दोस्तों एक सेटिंग। मेमोरी कार्ड में कोई भी गेम है वो आसानी से डायरेक्टली मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो हैवी गेम क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों हम मेमोरी कार्ड में आसानी से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।